पे आ चुके हैं मोहम्मद इलेवन सनी बॉयज टीम के कैप्टन। चलिए अब सर अपन टॉस करिए मुस्तकीम हुरजुक सनी बॉयज से कर्णधार। नाणेफेकीचा कौल हा वालवटी संघाच्या बाजूने लागलेला आहे। आपला निर्णय काय असेल? हम लोग बैटिंग करेंगे फर्स्ट। पहले बल्लेबाजी करने का आपने फैसला किया है, क्या यहाँ पे आपने इसके पहले मैच खेला है? ड्यू फैक्टर और ये शबनम या ओस का कुछ प्रभाव है? हाँ, थोड़ा बैटिंग के लिए भी मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे फर्स्ट इनिंग में। आज पूरा स्क्वाड है क्या, कोई एब्सेंट है? नहीं नहीं, सब बच्चे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत मुबारक। और आपको भी मेरा यही एक सवाल होगा कि अगर आप टॉस जीते तो क्या लेते? मैं भी बैटिंग ही करता, क्योंकि लास्ट दो मैच से रन चेज नहीं उड़े, तो अगर कोशिश करेंगे कि 30 रन तक रोके, 30-35 रन तक हम लोग चेज कर सकते हैं। मैं भी टॉस जीता तो पहले बल्लेबाजी ही करता, इससे पहले भी बल्लेबाजी किए थे, लेकिन अच्छा टीम है वालवडी सामने, तो मैं भी बैटिंग ही करता। बट टॉस का इफेक्ट तो है इस ग्राउंड पे, लेकिन टॉस पे ही पूरा मैच नहीं होता। आप निर्णय अंदर जाके कुछ ले सकते हो, और आप एफर्ट एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। जहाँ पे टॉस का ज़्यादा इफेक्ट होता है, वहाँ आपको एफर्ट एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। थैंक यू। इस विकेट के बारे में क्या कहोगे? इस विकेट के ऊपर बहुत ही बढ़िया फिर से एक बार आपकी गेंदबाजी मुझे देखने को मिली है। विकेट में काफ़ी मदद है, मैंने पहले ही कहा था कि काफ़ी ड्यू आया है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको रन बनाने पड़ेगी। आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि 50 मारना है 60 मारना है, नहीं, आपको हर ओवर में टारगेट करना पड़ेगा कि मुझे ये ओवर में कितने लेने, फिर दूसरे ओवर में कितने लेने। आप डायरेक्ट लंबा स्कोर नहीं सोच सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अहम बात यहाँ पे मुस्तकीम हुरजुक ने बताई है। और देखिए, इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस और एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान, जिन्होंने कहा कि जैसे वक्त होगा उस वक्त को संभालना होगा और उस वक्त पर अपने बल्लेबाजी के जौहर यहाँ पे दिखाने होंगे। और इसी के साथ फिर से एक बार हम चलते हैं कॉम्बॉक्स की तरफ। कॉम्बॉक्स में हमसे जुड़े हैं चार रन मिलेंगे। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं जहां पे रोहित और शहबाज सलामी बल्लेबाज के रूप में, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर शहबाज 3 गेंदों में 8 रन बनाकर। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेला था, शॉट मिड विकेट की दिशा में। फील्डर थोड़े से फंबल हुए और उसका फायदा बल्लेबाजों ने उठाया और आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 9 रन। पहला ओवर यहां पे प्रगति पर है साई का। साई अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं। साई फिर से एक बार एक लंबा रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट, प्रदर्शन जारी है साई का। मगर इस मतलब आपने लाइन से भटके और यहां पे मुफ्त के 5 रन मिलेंगे। यह आता हुआ पंजा, क्योंकि लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। इन 5 रनों की बदौलत रनों की संख्या एक छलांग लगाकर जा पहुंची है 14 पर। खराब गेंदबाजी, 2 चौके और 1 पंजा पहले ओवर में हमें देखने को मिला है। स्ट्राइकिंग एंड पर रोहित हम देख सकते हैं बल्लेबाजी कर रहे हैं।
जी हाँ, इस पर दबाव बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने कलाई को मोड़ दिया था, फ्लिक किया था और गैप में खेला है। बहुत ही अच्छा गैप ढूंढा है रोहित ने। गेंद दंदनाती हुई गोली की रफ्तार से काउ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए फिर से एक बार। देखिए, अक्सर हमने ये देखा और ये कहा भी कि यहाँ पे रन नहीं बन रहे हैं, मगर शायद ये बल्लेबाज हम सभी को झुटलाते हुए, कौन कहता है कि यहाँ पे रन नहीं बन रहे हैं। पहले ही ओवर में 3 चौके, 2 चौके शहबाज के बल्ले से, उसके साथ 1 चौका रोहित के बल्ले से और 1 पंजा जो कि बोनस के रूप में आया था। फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर, अंपायर जी ने अपने हाथ जमीन से किए समांतर और रन यहां पे मिलेगा अवांतर। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 19 का आंकड़ा। मुझे युवराज सिंह की याद दिलाता है कि 19 तारीख जहां पे 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार अंपायर जी ने अपने एक हाथ को आड़ा कर दिया है, नो बॉल का इशारा किया है। हर नो बॉल के ऊपर फ्री हिट जारी रहेगा, एवरी नो बॉल इज इक्वल टू फ्री हिट। अब यहां पे आम तो आम और गुठलियों के भी दाम, बल्लेबाजों को फ्री हिट रहेगा यानी आउट होने का कोई खतरा नहीं है। जी हाँ, फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद थी मगर हवा में उछाल कर उसे खेला था, 3 खिलाड़ियों के बीच में उस गेंद ने टिप्पा खाया, नो मैन्स लैंड में गेंद। और इस बीच बल्लेबाजों ने 2 रन भी मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत ही महंगा ओवर साई का, बहुत ही खराब ओवर मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक ओवर में 10 रन यहाँ पे बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, जहाँ पे 22 रन खर्च किए है गेंदबाज साई ने। बहुत ही खर्चीला ओवर रोहित खेल रहे है 6 रन बनाकर, जबकि शहबाज 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, निर्धारित 4 ओवर का यह मुकाबला होगा। 4 ओवर में क्या अब यहाँ पे 60 रन पार दिखेंगे हमें? हालांकि प्रोजेक्टेड स्कोर तो यहाँ से 88 दिखाई दे रहा है, मगर इसी तरह से बल्लेबाजी हर ओवर में करना इतना आसान नहीं है, इनफैक्ट मुश्किल बहुत, तकरीबन नामुमकिन के करीब। मगर फिर भी पहले ओवर में काफी प्रभावित किया है बल्लेबाजों ने, 30 गज के दायरे का पूरी तरीके से फायदा उठाया है। 30 गज के दायरे में किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है, इसका उत्तम उदाहरण यहां पे पेश किया है। सुमजाई बॉयज ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का यहाँ पे फैसला किया। उनके कैप्टन का यह फैसला थोड़ा सा गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पे कमबैक हो सकता है। अरबाज आए हैं, नए गेंदबाज, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, अक्रॉस द लाइन ताकत से किया है प्रहार, मगर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे, बहुत ही बढ़िया थ्रो और 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए, पहले विकेट के लिए साएदारी यहां पे पनप रही है। रोहित स्ट्राइकिंग एंड पर 3 गेंदों में 6 रन अपने टीम के लिए अब तक जोड़ चुके हैं। इसमें दबा देखिए, तेज तर्रार गेंद, अरबाज की बास की तरह उड़ान, अरबाज ने प्रभावित किया है। पहले 2 गेंदों में मात्र 1 ही रन खर्च किया है, अच्छी वापसी मैं कहूंगा, और इस तरह से वापसी होना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद जरूर है, उस गेंद के नीचे फील्डर काउ कॉर्नर की दिशा में शानदार कैच और इसी के साथ ये पहला छटका, पहले विकेट का यहाँ पे पतन होता हुआ। बल्लेबाज रोहित बैक टू द पवेलियन, फुटवर का इस्तेमाल नहीं था, खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद को एलिवेशन नहीं दे पाए। काउ कॉर्नर की दिशा में बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली। इस बीच रोहित आउट होने के बाद नए बल्लेबाज, सलीम दौनक
जिनकी बल्लेबाजी में हर वक्त होती है रौनक। इस खिलाड़ी ने यूनाइटेड महाड़ चैंपियन ट्रॉफी में क्या तूफानी बल्लेबाजी की थी, मुझे अभी भी याद है, मेरे नजरों के सामने है इनकी बल्लेबाजी। तूफानी बल्लेबाजी किसे कहते हैं, ये सारे क्रिकेट के दीवानों को दिखाया था अपने बल्लेबाजी के रूप में, वही बल्लेबाज सलीम दौनक। इस साल तूफानी फॉर्म में है, बढ़िया फॉर्म में रह चुके हैं। जी हाँ, मगर देखिए मिनट के साथ पहली गेंद लॉर्ड फुल टॉस थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ कवर ड्राइव में तब्दील किया, डीप कवर में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से सलीम को एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। सलीम ने इसे एक रन के साथ अपना खाता खोला है और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 24 पर, एक विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, इस मतलब ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, लॉफ करना चाहते थे मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद गली की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। वहां पे जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार अपने छोर बदले और इस एक रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 25 पर। सलीम खेल रहे हैं स्ट्राइकिंग एंड पर एक रन बनाकर, जबकि शहबाज 6 गेंदों का सामना किया है शहबाज ने और 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। गेंदबाज अरबाज 10-12 कदमों का रनअप, तेज तर्रार गेंदबाजी मगर लाइन से भटके, अंपायर जी ने दिए फटके। फिर से एक बार एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा, अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 26 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर के मुकाबले में इस ओवर में अरबाज ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की मगर देखिए अपने कलाई को मोड़ दिया था, जानबूझकर ढील यादों के साथ खेला था, कैलकुलेटिव रिस्क किया, कैलकुलेटिव बल्लेबाजी में कहूंगा, मगर डीप मिड विकेट के फील्डर तेजी के साथ उस गेंद पर लपके और इसी वजह से सलीम दौनक ने एक ही रन लेना मुनासिब समझा। स्ट्राइक अपने हाथ में रखा है सलीम ने, रनों की संख्या हो चुकी है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन एक विकेट के नुकसान पर। सलीम पहुंचे 2 पर, शहबाज खेल रहे हैं 11 पर, 13.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो 54 रन यानी एक बहुत ही अच्छा टारगेट, बहुत ही अच्छा लक्ष्य हमें नजर आएगा। मगर सलीम दौनक को फिर से एक बार अपने बल्लेबाजी का जौहर यहां पे दिखाना होगा, अपने बल्ले का दमखम यहां पे दिखाना होगा। अंतिम 12 गेंदे हैं मगर सलीम दौनक एक लास्ट बल्लेबाज है, उनके पास क्वालिटी बल्लेबाजी है, मिनट के साथ में खेलना पसंद करते हैं, सेंसिबल क्रिकेटर। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं रुपेश, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके स्ट्राइकिंग इन पर सलीम दौनक। आहा, ये देखिए मगर फील्डर को ढूंढ लिया सलीम ने, डीप पॉइंट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए सलीम। अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है तो ये क्या हुआ, क्योंकि उछाल कर जरूर खेला था मगर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था मगर उनके लिए जाल बुना था और उस जाल में फंस गए, एक बड़ी मछली जाल में सलीम दौनक के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। और इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं मलिक, मलिक आए हैं महाड़ चैंपियन ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से जिन्हें नवाजा गया, वही मलिक परकार। ऊपर वाले ने बहुत ही शानदार हाइट बख्शी है, कद काठी बख्शी है, उसका सही इस्तेमाल करते हैं अपनी बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में, तेज तर्रार गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। और उन्होंने जब मैंने उनका बाइट लिया था तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, मेरे दिल को छू गई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो प्राइजेस है वो मेरे लिए मायने नहीं रखते, यहाँ पे जो इज्जत मिलती है वो हमें चाहिए। ये लीजिए पहली गेंद पर जोरदार प्रहार किया मगर फिर से एक बार सीधा फील्डर को ढूंढ लिया, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर तैनात थे और एक ही रन यहाँ पे मलिक को मिलेगा।
इस एक रन के साथ मलिक ने अपना खाता खोला और अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 28 रन 28 फॉलोस ऑफ 2 विकेट्स। तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पर रुपेश के जरिए से, जी हां जोरदार प्रहार मगर नहीं एलिवेशन दे पाए, लॉन्ग ऑफ की दिशा में पकड़े गए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहां पे हो रही है, हर एक कैच को लपकने में कामयाब रहे और इसी वजह से बल्लेबाजी करने वाली टीम हारवीत की थोड़ी सी हालत खराब, क्योंकि पहले ओवर में तकरीबन 22 रन हमने देखे थे, तब मैंने कहा था कि यहां पे 60 के ऊपर रन मुझे दिखेंगे, मगर क्रिकेट बहुत ही अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल, हमेशा यह क्रिकेट जीता और हम हारे, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये हमेशा हमें अपनी औकात दिखाता है, कभी आसमान पर पहुंचाएगा तो कभी जमीन पर पछाड़ेगा। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं, न्यू बैट्समैन, नेम प्लीज। हरवीत टीम से मेरी गुजारिश है कि आपका एक बारवा खिलाड़ी या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो। सौरभ आए हैं नए बल्लेबाज, देखिए दोस्तों मेरे पास ये मैसेज आता हुआ बार बार कि ये 2 रन की पेनल्टी दी जाए, मगर मैं जानता हूं कि 2 रन कितने अहम होते हैं, कितने मौल्यवान होते हैं, प्लीज आप आए, क्योंकि सारे अपडेट्स यहां पे देने पड़ते हैं, इसका लाइव टेलीकास्ट यहां पे किया जा रहा है, प्लीज। जी हां, इस मरतबा आउटसाइड दिया ऑफ स्टंप गेंद, फिर से एक बार अंपायर जी ने अपने हाथ फैलाए हैं, अपने बाहों को खोला है, वाइट का इशारा, 1 रन अतिरिक्त फिर से एक बार मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 29 रन। स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हो या बाएं हाथ के गेंदबाज, उनको खेलते हुए देखना बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए आप एडम गिलक्रिस्ट को देखें या युवराज सिंह को देखें या कुमार संगकारा को देखें या सनत जयसूर्या की बल्लेबाजी देखें, बहुत ही मजा आता है, कुछ अलग ही आनंद आता है। इस बल्लेबाज के ऊपर भी जिम्मेदारी होगी, कम से कम स्ट्राइकिंग एंड पर मलिक को लाकर खड़ा करना होगा, क्योंकि मलिक में वो ताकत है, मलिक में वो क्षमता है, मगर यहाँ पे मुफ्त के रन मिल रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से एक बार रुपेश भटके, 1 रन यहाँ पे अतिरिक्त मिलेगा, इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 30 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, मगर पहले ओवर में 22 रन आए थे, ये भूलना नहीं होगा। ये तीसरा ओवर जारी है, बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है, महरूम किया है, मगर ये क्या टपकने का मौका हो सकता था, शायद फ्लडलाइट्स की वजह से ये कैच उन्हें दिखाई नहीं दिया, ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आसान सा कैच था, क्या छूटा और दोनों भी बल्लेबाजों ने इसका भरपूर लाभ उठाया और 2 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं। 32 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पर, देखिए गेंद यहां पे गीली हो रही है, ओस की बूंदे, शबनम और ये जो वातावरण हमें दिखाई दे रहा है, क्लाइमेट दिखाई दे रहा है, ठंड का माहौल और ये सारा इफेक्ट बल्लेबाजी पर, गेंदबाजों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी बल्लेबाजी करने वाली टीम पुरजोर यहां पे कोशिश कर रही है, उसी के साथ गेंदबाज भी देखिए, जी हां बल्लेबाज से शरीर से दूर रखने की कोशिश, इस पर दबा, बाल बाल बच गए,
अगर ये निशाना सही होता तो मलिक के ऊपर रन आउट का खतरा साफ मंडरा रहा था। मलिक ने यहाँ पर रिस्क उठाया, वो जानते हैं रिस्क तो उठाना ही होगा क्योंकि मात्र चार ओवर का ये मुकाबला है और स्ट्राइकिंग एंड पर स्ट्राइक लेने की कोशिश यहाँ पे करनी होगी और इसी वजह से ये रिस्क उठाया था उन्होंने। और देखिए कामयाबी भी मिली, रन भी यहाँ पे रन, तीन ओवर की समाप्ति के बाद 11.33 के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। इसके पहले गालसूर टीम ने वो मैच किस तरह से जीता था आप सभी को याद है, अगर यहां पे 40-45 रन बनते हैं तब भी एक मजेदार मैच, रोमांचित करने वाला मैच हमें देखने को मिलेगा। कांटे की टक्कर होगी क्योंकि हरवी टीम में बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, तेज तर्रार गेंदबाजी, उसी के साथ गेंद को घुमाना भी जानते हैं, कट करना जानते हैं। मगर अंतिम ओवर में मलिक बरकार जोरदार प्रहार किया है मगर डीप मिड विकेट के फील्डर को ढूंढ लिया है, दूसरा रन लेना चाहते हैं, प्रयास यहां पे सफल होता हुआ मलिक का। मगर उनके साथी खिलाड़ी देखिए उनके लिए अपने विकेट को त्यागने के लिए भी तैयार थे। ये होती है एकता, ये होती है यूनिटी। हमारी टीम के लिए हमें खेलना है, ना ही अपने खुद के लिए। ये नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज सौरभ ने यहाँ पे दिखाया, वेरी वेल डन सौरभ, बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हो, ये जज्बा होना चाहिए। इसे एक बार जोरदार प्रहार किया था मगर स्लोवर वन गेंद पूरी तरीके से चक गए और आखिरकार यहां पे दूसरा रन लेने की कोशिश में अपने विकेट को त्याग दिया है सौरव ने। सौरव मैदान से बाहर, रन आउट होकर एक रन यहां पे मिला, इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी है, 45 रन अगर बोर्ड पर लगते हैं तो सम्मान पूर्वक स्कोर मैं कहूंगा, फाइटिंग स्कोर, क्योंकि यहां से बड़े स्ट्रोक लगाना थोड़ा सा मुश्किल यहां पे दिखाई देता हुआ। मलिक प्रकार जैसे बल्लेबाज भी थोड़े से निष्प्रभ यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उनका बल्ला खामोश दिखाई दे रहा है क्योंकि मलिक प्रकार ने महाड़ के मैदान पर तूफान लाया था, चौके और छक्कों की बौछार की थी, बारिश की तरह रन बरस रहे थे। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार यहाँ पे अंपायर जी ने कुछ इशारा जरूर किया है, सौरभ हालांकि मैदान से बाहर जा चुके हैं। इस बीच हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज हरवी टीम से कैफ, अंतिम ओवर करने वाले गेंदबाज उत्तम, 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर, अभी तक 3 गेंदें आना बाकी है अंतिम ओवर प्रगति पर। कैफ स्ट्राइकिंग एंड पर, नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर मलिक, 4 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना किया है मलिक ने। मगर जो उम्मीद या अपेक्षा की जा रही थी वो बड़े स्ट्रोक से यहां पे
महरूम किया है। जी हाँ, हवा में गेंद, विकेट कीपर के हाथों में आसान सा कैच था और ये कैच ड्रॉप किया है। देखिए दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। भूल हो चुकी है। एक रन भी यहां पे मिला, जीवन दान भी मिला बल्लेबाज कैफ को, और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज मलिक भी आए। जोरदार अपील है, शायद कॉट बिहाइंड विकेट के लिए, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। गेंद लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद कट होकर स्टंप के ऊपर से निकल गई। बल्लेबाज मलिक को चका दी हुई। 38 रन बोर्ड पर लग चुके हैं और अभी भी एक गेंद शेष, एक गेंद आना यहां पे बाकी है। उत्तम, आहा, फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद, लेग स्पिन होती हुई, बल्लेबाज मलिक को चकाने के बाद विकेट कीपर के हाथों में। 38 पर सीमित रखा है, 40 का आंकड़ा यहां पे छूने नहीं दिया। सही मायनों में गेंदबाजों की ये सफलता मैं कहूंगा, कामयाबी कहूंगा, क्योंकि अब जीतने के लिए मात्र 39 रनों की जरूरत। हर ओवर में अगर 10 रन यहां पे जोड़ते हैं, हर ओवर में अगर एक बड़ा स्ट्रोक आता है, यानी कुल मिलाकर 24 गेंदों में अगर 4 बड़े स्ट्रोक आते हैं, तो ये मैच जीतना बहुत ही आसान होगा। मगर देखते हैं दोस्तों, क्रिकेट में प्रेडिक्शन लगाना बहुत ही मुश्किल होगा। इस मैच को कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। जल्द से जल्द यहाँ पे फील्ड सजाए। मैं फिर से एक बार यहाँ पे गुजारिश करना चाहूंगा सभी हरबीत के खिलाड़ियों को, क्योंकि वक्त की कमी के कारण, देखिए 4:30 बज चुके हैं और उसके बाद भी बहुत सारे मैचेस हमें यहाँ पे खिलाने हैं। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम चलते हैं इमाद मोड़क के पास। धन्यवाद। हेलो, हेलो, चलो जल्द से जल्द फील्डिंग सजा लो।
हेलो 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 फिर एक बार एक बड़े मैच की तरफ रुख करते हैं। तमाम दर्शकों का स्वागत है। जितने दर्शक इस मैच के लिए YouTube के माध्यम से देख रहे हैं tenniscricket.in पर, आज की पहली नाइट में जिस तरीके से आधी रात में ये जो मुकाबला चल रहा है, मसला प्रीमियर लीग सीजन तीसरा है और इस टूर्नामेंट का जिस तरीके से फर्स्ट प्राइज 1 लाख और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी, सेकंड प्राइज 50,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी, थर्ड प्राइज 15 और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी, फोर्थ प्राइज देखा जाए तो 15,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी। अट्रैक्टिव इनामात जिस तरीके से इस टूर्नामेंट के लिए 4 इनामात आप देख सकते हो और खास करके स्ट्राइक पर बैट्समैन परेश केतकर और नॉन स्ट्राइक पर टीम का एक यंगस्टर कैप्टन बन चुका है साई, जो नॉन स्ट्राइक पर है। चलिए दोस्तों मैच की तरफ रुक करते हैं, जहां पर मलिक परकार बॉलिंग पर एक तेज रफ्तार बॉलर, देखना है अपनी गेंदबाजी में किस तरीके से कमबैक करता है। हेलो देखिए पहली ओवर की पहली गेंद पर डॉट बॉल, दूसरी गेंद पर देखिए परेश केतकर ने गैप ढूंढा, गेंद गई है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, मिलेंगे 4 इस पावर प्ले की पहली ओवर की दूसरी गेंद पर चौका आ गया। एक बेहतरीन स्ट्रोक रनों का पीछा करना है और जिस तरीके से आप देख रहे हो सेकंड राउंड का ये मुकाबला 22 गेंदों में 35 रनों की जरूरत, रिक्वायर रन रेट 9.55 की औसत से रन बनाने। ओपनिंग पेयर्स आप देख सकते हो परेश केतकर और उनके साथ में साई, बॉलिंग के लिए मलिक परकार। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, अपर कट का इस्तेमाल किया था, बैकफुट पर जाकर गेंद को डीप कवर के क्षेत्र में खेल दिया 4 रनों के लिए, बेहतरीन स्ट्रोक परेश केतकर के बैट से। एक्शन रिप्ले में आपने जरूर देखा होगा किस तरीके से शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, आखिरी मोमेंट पर बल्ले का मुंह खोला और इनफील्ड के ऊपर से डीप कवर के क्षेत्र में एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिला बल्लेबाज परेश केतकर के बैट से। लगातार 2 चौके आ चुके हैं, क्या इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक चौके के मानिन इस बैट्समैन के नाम जाएगा, ये देखना है। अब तक तो 2 चौके आ चुके हैं, इस बीच अगली गेंद ये देखिए फिर एक बार कमबैक किया है मलिक परकार ने, मलिक उर्फ बाबा फिर एक बार अपनी गेंदबाजी को निखार रहा है। मानना पड़ेगा 2 चौके आए थे लेकिन इस वाली गेंद पर यकीनन बैट्समैन से इस गेंद को जिस तरीके से मजबूर किया बैट्समैन को खेलने के लिए कवर की क्षेत्र में, जिस तरीके से बल्ले का जो फ्लो था बिल्कुल स्क्वायर कट या फिर लेट कट खेलने के मानी था और कवर की क्षेत्र में जो खिलाड़ी थे कोई गलती न करते हुए एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया। महाड़ में जिस तरीके से एक बड़ी प्रतियोगिता हुई उस टूर्नामेंट के अंदर जिसे साइकिल मिली साइकिल बॉय के नाम से जाना गया और मलिक बाबा जो साइकिल बॉय के साथ साथ एक मैच में बहुत महंगे साबित हो गए थे लेकिन
दूसरी एक ऐसी मैच जिसके अंदर लगातार एक ही ओवर में 5 विकेट हासिल करने का समीकरण इसी गेंदबाज के नाम होने के बाद बैटिंग भी उतनी बढ़िया थी और आज फिर एक बार अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए कि मैं अभी भी अपनी गेंदबाजी में वो दमखम रखता हूँ। 2 चौके मुझे आए लेकिन फिर एक बार मेरे गेंदबाजी में वो वापसी करने की क्षमता है। कौन कहता है कि टेनिस क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का है, मैं कहता हूँ गेंदबाजों का भी है और फील्डरों का भी है। अगर गेंदबाज को फील्डर का साथ मिलेगा तो यकीनन गेंदबाज की कमबैक की वापसी की यहाँ पर बात हो जाएगी। 4 गेंदों में 8 रन 1 विकेट, क्या गेंदबाजी की है मानना पड़ेगा। पावर प्ले की ओर में परेश केतकर के तूफान को ठंडा कर दिया है और निराश कदमों के साथ परेश केतकर को वापस लौटना पड़ा। अब आए हैं शुभम जो साई के बड़े भाई, दोनों भाइयों की जोड़ी बीच मैदान के अंदर। अब देखने लायक मंजर होगा, सुमदाई लायंस श्रीवर्धन के दोनों यंगस्टर और ये देखिए बैकफुट पर जाकर बेहतरीन अंदाज में डीप थर्डमैन के क्षेत्र में मिलेंगे इस गेंद पर 4 रनों के लिए। ये देखिए क्या स्ट्रोक था शुभम ने, क्या इंतजार किया और फिर वार किया बेहतरीन। देखिए जिस तरीके से स्ट्रोक बहुत ही लाजवाब था और इस चौके की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है 12। एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो टीम का स्कोर हो चुका है 12। शुभम के बैट से पहला चौका और इस बीच देखिए पीछे की तरफ खेलने का इरादा, जिस तरीके से पल्लू स्कोप और ये स्ट्रोक जा रहा है लॉन्ग स्टॉप की दिशा में 4 रनों के लिए। वाह, दोनों बल्लेबाजों का कोऑर्डिनेशन देखिए, आंखों आंखों में इशारा और जिस तरीके से ये एज भी लगा था भाग्यशाली रहे और गेंद फील्डर के ऊपर से सीधी लॉन्ग स्टॉप की दिशा में 4 रन के लिए। 4 के साथ टीम का स्कोर 16 और सोमदाई श्रीवर्धन के टीम के अंदर फिर एक बार वो एनर्जी आ चुकी है और वो फिर एक बार साबित कर रहे हैं कि जिस तरीके से इंटरव्यू में कहा गया था कि विकेट सिर्फ चेस डिफेंस करते वक्त साथ देती है, चेस करते वक्त साथ नहीं देती है, यहाँ पर ये दोनों भाई साबित कर रहे हैं कि बैट्समैन जो काम करता है वो काम आज फिर एक बार हम अच्छे टीम के लिए अच्छे टीम के सामने करके यकीनन चेसेबल क्रिकेट खेलकर दिखा देंगे कि हम भी किसी से कुछ कम नहीं है। वाह, मानना पड़ेगा करंट रन रेट 16 का है और रिक्वायर रन रेट जिस प्रकार स्कोर हो चुका है 16 रन में कह रहा हूं। बॉलिंग के लिए नौफील मरता क्या नहीं करता, टीम का सबसे एक अच्छा बॉलर को लाया गया है। फिर एक बार राइट अप ओवर द स्टंप से ये देखिए अंपायर से अपील लेग बिफोर की और ये देखिए बैट्समैन विकेटों के सामने पाए गए थे। वाह, अब अंपायर से अपील तो की गई है लेकिन फिर एक बार अंपायर को थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि कहां ना कहां एंगल बन रहा है या फिर नहीं, इसीलिए डिस्कशन करने के लिए फिर एक बार परवेश सर की तरफ मुड़ गए हैं। लेकिन मैच में फिर एक बार अच्छी वापसी होने की कदार यानी टीम का एक अच्छे बॉलर को लाया है नौफील परकार, जो टीम के लिए एक अच्छा बॉलर स्ट्राइक बॉलर है, थोड़ा सा इंजर्ड है लेकिन इंजर्ड होने के बाद भी आज भी उसके गेंदबाजी में वो स्विंग है और वो कमबैक है। जी हाँ, एक अच्छी गेंदबाजी चल रही है। गालसुर के मीरान इंतजार कर रहे हैं, मैच तो जीता अपने मेहनत के बलबूते पर, उनके पूरे टीम के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर। बैट्समैन ने कहा कि बैट्समैन नॉट आउट, अंपायर ने बैट्समैन को कहा है कि बैट्समैन एलबीडब्ल्यू की अपील की गई थी, फिर अंपायर ने कहा नॉट आउट है। अंपायर रन है जी नहीं, डॉट बॉल। टीम का स्कोर हो चुका है 16 रन।
फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो 17 गेंदे और जीतने के लिए 30 की जरूरत। स्ट्राइक पर साई, नो स्ट्राइक पर शुभम। फील की इस वाली गेंद पर फिर एक बार स्कूप शॉट देखने मिला है, गेंद गई है डी फाइल की रीजन में 4 रनों के लिए। देखिए ये बल्लेबाज ग्राउंड के चारों ओर बल्लेबाजी करने की जहां पर क्षमता होती है ना, उसी अंदाज से क्रिकेट की नजाकत नजर आ रही है। पता है बैट्समैन का साथ नहीं देती है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बैट्समैन के लिए, क्योंकि विकेट जाने का खतरा है। ऐसी सूरत में स्ट्रोक वहां खेले जा रहे हैं जहां पर आसानी के साथ रन बन सकते हैं, यानी बस वेट एंड वॉच। और बैट्समैन का कमाल देखिए, क्रिकेट की नजाकत देखिए, इंतजार किया फिर वार किया उनके छोटे भाई ने। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, दोनों भाई जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपनी टीम का स्कोर बढ़ा रहे हैं। 16 गेंदों में 19 की जरूरत, रिक्वायर रन रेट 7.13 पर आ गया। वाह, फिर एक बार उसी तरीके का स्ट्रोक, इस बार भी फील्डर को चकमा देकर गेंद जा रही है, भाग मिल्खा भाग 4 रन के लिए। वाह, आधी रात में 4:46 पर, यानी बिल्कुल 5:45 जा चुके हैं, लेकिन क्या बल्लेबाजी चल रही है देखिए, दोनों बल्लेबाज, ठंडी ठंडी हवा और गर्मा गर्म बैटिंग, सुपर। और टीम का स्कोर इस चौके के साथ 24 रन। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे का बहुत अच्छा साथ दे रहा है और एक दूसरे से यही कह रहे हैं, शुभम शाही से कह रहा है, मैंने तुम्हें आवाज दी बड़ी नाच के साथ, अब तुम आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। दोनों बैट्समैन एक दूसरे का साथ और दोनों बैट्समैन एक दूसरे के भाई, भाईचारा भी दिखा रहे। 15 चिड़ू 15 धावन की आवश्यकता। आहा, मैच काफी हद तक रोमांचक बनेगा। फिर एक बार देखिए इस गेंद पर अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक और नौफील ने किया है अपनी गेंदबाजी में, विकेट हासिल करके एक अच्छा विकेट, एक कीमती विकेट। बैट्समैन से फिर एक बार गेंद को दूर रखा था। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो एक लेग कटर बॉलर, ऑफ कटर बॉलर जिस तरीके से गेंदबाजी करता है, लेकिन जिस तरीके से आउटसाइड एज लगा था, बैट्समैन उसे खेलना चाहते थे आखिरी मोमेंट पर, लेट कट के मानिन सीधी विकेट कीपर सलीम के हाथ में। जब मैंने मलिक से इंटरव्यू में पूछा तो मलिक ने कहा कि मेरा फेवरेट प्लेयर एक ही है जो विकेट के पीछे है। और फिर एक बार जब महाड़ तालुके के अंदर जब एक बड़ी प्रतियोगिता हो रही थी ना जुनेद भाई, तब यही गेंदबाज ने मलिक ने इनके ऊपर भरोसा दिखाया। ये वो गेंदबाज है जिसने एक मैच में बहुत खर्चीला ओवर किया था, फिर मलिक ने इनके ऊपर भरोसा दिखाया और 3 रन का वो ओवर डाला और मैच का पूरा नक्शा ही पलट दिया। वो टूर्नामेंट का मैच वो खेल रहे थे चांडवा के साथ और चांडवा की टीम को हरा कर फिर एक बार अपनी जीत हासिल करने वाला गेंदबाज अपनी गेंदबाजी में निखार रहा है और बता रहा है कि टेनिस क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का नहीं है, गेंदबाजों का भी है। वाह, सुपर बॉलिंग दोनों की, भाइयों की जोड़ी को तोड़ने के बाद अब फिर एक बार बल्लेबाज आ चुके हैं प्रथमेश। चौदह गेंदों में 15 की जरूरत, इस बीच नौफील, नौफील की इस वाली गेंद पर देखिए कारपेट के सहारे अलोंग द कारपेट शॉट, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, 2 रन की मांग तेजी के साथ। वाह, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या दौड़ लगाई है दोनों बल्लेबाजों ने, यकीनन अच्छी दौड़ लगाकर टीम का स्कोर बढ़ाया। एक नहीं बल्कि 2 रन को तरजीह देकर टीम का स्कोर हो चुका है 26-39 का पीछा करना था, करन रन रेट 14.18, अब रिक्वायर रन रेट सिर्फ 6 का है। फिर एक बार मैच की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो नौफील की इस गेंद पर हवाई सफर करने का इरादा, गेंद दूर नहीं गई है, थोड़ी सी ऊंची गई थी, लेकिन साहस भरा शॉट दुस्साहस बना और प्रथमेश का विकेट जाता हुआ। मानना पड़ेगा, मैंने कहा भी था ये गेंदबाज स्लोवर वन, 26 रन 3 विकेटे जीतने के लिए अभी भी देखा जाए तो जिस तरीके से मैच बनी हुई है, 12 गेंदों का खेल और 13 रन की जरूरत, 12 गेंदे 13 रन, मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं तारीफ करूंगा
नौफिल प्रकार की, जिस तरीके से जिस गेंदबाज के लिए मैंने जो बुलिंदा मांगा ना कि मरता क्या नहीं करता, टीम का स्ट्राइक बॉलर फिर एक बार अपनी गेंदबाजी को निखार रहा है। क्यों महाड में बड़ी प्रतियोगिता में टीम के कैप्टन ने मुझ पर भरोसा दिखाया था, मैंने बहुत खर्चीला ओवर किया था, 15 से अधिक रन दिए थे एक मैच में, लेकिन वो मैच जिस तरीके से जब चांडवा के सामने आया उस वक्त बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी की। खास करके जो रॉयल फेस्टिवल का जो टूर्नामेंट हुआ, उस टूर्नामेंट के अंदर नौफिल को जिस तरीके से इमर्जेंट प्लेयर माना गया था और वही गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी में कामयाब हो गया। अब 12 गेंदे और जीतने के लिए 13 की जरूरत, देखना है ये ओवर बहुत निर्णायक ओवर होगी, छोटे से रनअप के साथ राइट अप ओवर द स्टंप। ये देखिए फाइन लेग की रीजन में खेला है, क्या होगा इस गेंद पर, गेंद सीधी 6 रन के लिए रफू चक्कर, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थोड़े से ऑफ स्टिक पर जाकर सफल हो गए और बैट्समैन ने उसे ट्रीट कर दिया सीधा डीप फाइन लेग की रीजन में। मैच जहां पर टफ बन रहा था, अब शुभम भी बता रहे कि मेरा टीम के अंदर क्या काम है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे कुछ मैचों में, लेकिन आज फिर एक बार आधी रात में माझ्या संघासाठी मला काय करायचंय हे परत एकदा सिद्ध करतोय। वाह, सरळ चेंडू सीमारेखाच्या बाहेर 6 धावांसाठी आणि या 6 धावांनी धाव संख्या झालेली आहे 32। तीन फलंदाज आउट झाले, फरक नाही पडत, 11 चेंडू आणि 7 धावांची गरज, कारण की शुभम ऑन स्ट्राइक, शुभमला चेंडू फुटबॉल सारखे दिसतायत। ऋतिक फिर एक बार गेंदबाजी पर, ये देखिए स्विच हिट, ओहो वाह क्या बैटिंग है, ओ माय गॉड, देखने लायक ही स्ट्रोक था, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, मानो ऐसा लग रहा है कि रात में 8 बजे का मैच खेल रहे हैं। और इस बल्लेबाज ने यकीनन जो इंटरव्यू में कहा गया था ना, जितने इंटरव्यू में कहने वाले को फिर एक बार गलत साबित किया इस बल्लेबाज ने कि इस ग्राउंड पर चेसेबल क्रिकेट हो सकता है, डिफेंसिव क्रिकेट नहीं चेसेबल भी क्रिकेट हो सकता है। जी हाँ, अब जीतने के लिए 3 की जरूरत, और यहाँ पर क्या हुआ है, मैच को इजी बनाया लेकिन अपना विकेट भी दे दिया, अतिरिक्त उछाल था और गुडलेन स्पॉट पर से जो गेंद ऊपर की तरफ उड़ी, बल्लेबाज ने क्लोज द बॉडी से खेलने की कोशिश की, फ्लाइंग स्लिप की दिशा में एक अच्छा कैच और बैट्समैन के पारी का अंत, लेकिन तालियों की गूंज होनी चाहिए, 7 गेंदों में 18 रन की पारी, वाह सुपर बैटिंग, खरोखर आज चांगलं काम केले संघासाठी। शुभम ने ज्या पद्धतीने आपल्या संघाच्या कर्णधाराला सांगितलं होतं कि मी आता तुमच्या संघामध्ये खेळू शकत नाही कारण की मी आउट ऑफ फॉर्म चाललोय, परंतु ज्या पद्धतीने रुपेशनी आणि परेश केतकरनी त्याच्यावरती विश्वास दाखवला कि मित्रा तुला खेळावंच लागेल, तुला संधी देण्याचं काम आमचं आहे, परंतु तू जेव्हा तुला स्ट्राइक भेटेल तेव्हा तू संघासाठी चांगली फलंदाजी कर, आणि आज सिद्ध करून दाखवला। जी हाँ, अब जीतने के लिए 9 गेंदों में 3 रन की जरूरत है, ऋतिक के पास भी वो मौका है। आहा, ऋतिक की ये गेंद आउटस्विंग होकर बाहर की तरफ निकल गई, डॉट बॉल, गेंदे हो चुके 4, 2 गेंदों का आना बाकी, आधी रात में आप मैच ये देख रहे हो जहां पर सोमजाई बॉयज, और दूसरी तरफ देखा जाए तो लेग बाइस के रूप में ये रन, शिवांश 11 हरवीत के बीच में, 7 गेंदे और जीतने के लिए बस अब 2 रन की जरूरत। बिल्कुल सुबह के जिस तरीके सकल चा पहाटे चा टाइम जो मैच का सामना तो पाता है, 7 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता है। बिल्कुल सुबह होने को है और मैच किस करवट पर आ गई है, देखिए हमारे संदेश सर भी सोच रहे हैं
क्या मैच बन रहा है देखिए। गेंद डॉट बॉल यानी ये मुकाबला आखिरी ओवर में जा चुका है। जरा फास्ट के लिए छह गेंदों में अब जीतने के लिए बस दो रन की जरूरत है। २०१३ मध्ये सोमजाई लायन्स या संघाची स्थापना झाली होती आणि आज बघता बघता 10 वर्ष चला लवकर गया। वही तो मैंने कहा ना शाहिद भाई। चलो फटाफट फील्डिंग सजा लो। छह गेंदे और जीतने के लिए दो की जरूरत। बॉलिंग के लिए आए हैं सलीम। टीम के लिए आखिरी ओवर लेकर कुणाल सर का इशारा वाइड। सलीम दवनाक बॉलिंग पर। चलो सनी बॉयज मोहम्मद इलेवन सनी बॉयज श्रीवर्धन और याहिया इलेवन वालवटी। चलो तैयार हो जाओ, अपने बैट्समैन भेजिए और फील्डिंग फटाफट सजा लीजिए। इस मैच के यकीनन मैन ऑफ द मैच के दावेदार जिसने मैच को पूरी तरीके से अपने पक्ष में कर लिया आणि तो मैच चा दावेदार आहे। या मैच मधला फलंदाज ज्यांनी चांगली फलंदाजी केली आणि आज मसला प्रीमियर लीग या दद्दू बॉयज ऐसी प्रेजेंट करणाऱ्या आयोजकांचा सुद्धा आणि